जुलानी पार्क आए हैं। जुलानी पार्क लाहौर में जेल रोड पर वाकया है और इस सर्विसेज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। यूं तो कई रीजंस है जिसकी वजह से जुलानी पार्क मशहूर है, लेकिन मैं इनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। इससे पहले कि हम जुलानी पार्क की बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जुलानी पार्क का नाम पहले रेस कोर्स पार्क था और अब भी इसे काफ़ी लोग रेस कोर्स पार्क के नाम से जानते हैं। रेस कोर्स पार्क का नया नाम जुलानी पार्क है और ये लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जुलानी खान के नाम पर रखा गया था। यूं तो कई एक वजूहत है जिसकी वजह से जुलानी पार्क बहुत मशहूर है, लेकिन मैं इनमें से चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। जुलानी पार्क की सबसे बड़ी वजह शोहरत ये है कि इसके अंदर एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। जुलानी पार्क की दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि जुलानी पार्क के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं और आप अभी भी देख सकते हैं कि जुलानी पार्क के अंदर मेला लगा हुआ है और लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। और लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ इस पार्क में बिताने के लिए आते हैं। जुलानी पार्क में बच्चों के लिए झूले और प्ले लैंड मौजूद है। झूले तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन प्ले लैंड के अंदर हमें टिकट पे करनी पड़ती है जो 20 रुपए से लेकर 50 तक की है। इसके अहम होने की तीसरी बड़ी वजह कि इसके अंदर बेशुमार एग्जीबिशंस और शोज हैं जो पूरे साल में टाइम बाय टाइम होते रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी अहम होने की चौथी बड़ी वजह, ये है कि इसके अंदर एक पोलो ग्राउंड है जिसके अंदर पोलो मैचेस होते रहते हैं और एक हॉर्स राइडिंग क्लब है जिसके अंदर से आप हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन बातों के अलावा जुलानी पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है जो 2.8 किलोमीटर लंबा है और मैं और बाबा तो इसके दो दो चक्कर लगाते हैं। जुलानी पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है जो 78 एकर्स पर मुश्तमिल है, तो इसके 4 मेन एंट्रिंग गेट्स हैं। जी तो डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग जुलानी पार्क के अंदर मौजूद है और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसकी वाटरफॉल है जो कि मुझे बेतहाशा पसंद है और मैं हमेशा से चाहती थी कि इसके ऊपर मैं अपनी वीडियो ज़रूर बनाऊं, तो आज मुझे मौका मिला है। तो आप ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल देख सकते हैं, इस वक्त भी चल रहा है और लोग काफ़ी सारे सेल्फीज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाटरफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत तेज़ी से चल रही है। जी तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें जुलानी पार्क में कितना इन्जॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मूसा है। कहाँ से आए हो? मैं बागुल बेगम न्यू मजंग से आया हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं सेंट पीटर हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 3 ग्रीन में हूँ। आपने जुलानी पार्क आके क्या क्या इन्जॉय किया? मैंने इधर आके बहुत ज़्यादा वॉक की और खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। किस किस के साथ आए? मैं अपने खाला के साथ आया हूँ और मम्मा के साथ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक फैमिली खड़ी आए, हम इनसे बात करते हैं और इनसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही सवाल के जवाब दे दिए तो इनको 1 लाख रुपए इनाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज अहमद है। कहाँ से हैं? मैं लाहौर इचरा से। आप, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, आपने अगर जो सही जवाब दे दिया तो आपको 1 लाख रुपए इनाम। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एटिकेट्स के स्पेल। एटिकेट्स के? ATTITCATE। गलत है। क्यों? हाँ जी, एटिकेट्स का एएस रह गया था, एक रह गया एटिकेट्स। जी तो डियर व्यूअर्स, हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर इनने सही जवाब दिया तो हम इनको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? नाम है मेरा अजीजुल्लाह खान। कहाँ से आप? मेरा ताल्लुक बुनेर स्वात से है, लेकिन मैं पाकिस्तान रेलवे में एम्प्लॉइज हूँ। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट? पाकिस्तान रेलवे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 1 लाख रुपए है ना? जी। आप मुझे एटिकेट्स का स्पेल। जी, एटिकेट्स। एटिकेट्स स्पेलिंग। एटिकेट्स स्पेलिंग। एटिकेट्स, ए टी यू ए टी ATICATCAUTE। ATICAUTE। चलो मैं आपको लास्ट चांस देती हूँ एटिकेट्स का स्पेलिंग बताने के लिए, ये आपके लाख रुपए आप जीते, ठीक है? ATICAUTE। बिल्कुल गलत।
बता दूं कि तो डियर व्यूअर्स हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से भाई मौजूद है, आए हम इनसे सवाल करते हैं और अगर इनने सही जवाब दिया तो रियल वाले हम इनको 1,00,000 रुपया देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहन है। कहाँ से आए आप? मैं इधर शादमान से। आप मुझे ये बताएं कि एटिकेट्स का स्पेलिंग। जी एटिकेट्स का स्पेलिंग AAAICATES। आपको एक दफ़ा मैं फिर दोबारा एक ऑप्शन देती हूँ, आप दोबारा से सोच लें। AAAICATES। एटिकेट्स का स्पेलिंग होते हैं ETIQUETEE एटिकेट। जी जो डियर व्यूअर्स हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली मौजूद है, आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे क्वेश्चन करते हैं। चना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? निदा। आप कहाँ से? हम दुबई से। अच्छा चलो मैं इससे क्वेश्चन कर लूँ। कर। अच्छा जी तो डियर व्यूअर्स हमारे साथ एक छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी बच्ची मौजूद है जो कि दुबई से आई है और इस वक्त रेस कोर्स पार्क में मज़े उठा रही है। आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ले आपको ये भी बता दूं कि ये उर्दू जुबान नहीं बोल सकती, ये इंग्लिश बोल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ शिबा। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम दुबई। कैन यू टेल मी व्हिच कार्टून डू यू लाइक? ब्लिपी। So what is the spelling of Blippi? BLIPPI Blippi. Very good. Thanks for talking with us. Thank you. Welcome. हमारे साथ कुछ अंकल मौजूद है, आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जिलानी पार्क में आए थे, इनने क्या क्या इंजॉय किया और क्या क्या देखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम? मजीद अवान। कहाँ से आए आप? मैं नादराबाद से। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप जिलानी पार्क में आए थे, आपने क्या क्या देखा है, किसके साथ आए थे? इंजॉय करने आए थे बच्चों के साथ, मगर कुछ खास नहीं है जिस वजह से हम आए थे, वो तो हमारा वजह पूरी नहीं हुई। फूलों की नुमाइश देखने आए थे तो फूल है नहीं, इसलिए अब वापस जा रहे हैं बस। इसका मतलब वापस जा रहे हैं, आप फ्लावर्स देखने आए थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा आपने डॉग शो देखा, ये जो यहाँ पर हुआ? नहीं इसलिए तो आए थे, मगर वो ख़त्म हो गया। हाँ वो फायरिंग हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बता सकते हैं क्यों हुई थी? नहीं वो ग्रुप्स में लड़ाई हो जाती है ना कभी कभी। किन ग्रुप्स में लड़ाई हुई है? पता नहीं मैं तब थी नहीं, मैं अभी आई हूँ जब उसे फायरिंग हुई है उसके थोड़ी देर बाद। बस जी बस इजाज़त है। हाँ जी जी। तो नाज़रीन हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं जो के सारे FSC के स्टूडेंट्स, आए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं क्वेश्चन। अगर इनने सही जवाब दे दिया तो इनको 1,00,000 रुपया इनाम। तो चले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? आयजा हाफिज़। आप कहाँ से हो? मैं ग्रीन टाउन से। अच्छा आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या इन्जॉय किया? अभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खेला ही और खाना वगैरह ही खाया है। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने सही आंसर बताया तो आपको 1,00,000 रुपये है ना, ठीक है ना? आप मुझे एटिकेट्स को स्पेल से। एटिकेट्स AAAICATE। गलत है। गलत है। आगे आगे आगे। ICATE। तो आए हम अगले जो बच्चा है उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फायजा। आप कहाँ से? मैं अनारकली से। अच्छा आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 1,00,000 रुपये है ना। ठीक है मैं आपसे पूछती हूँ लेफ्टिनेंट के क्या स्पेलिंग? किसके? लेफ्टिनेंट के क्या स्पेलिंग? लेफ्टिनेंट LEFT LEFT NIGHT। गलत है। एक चांस और दे दूँ आपको, एक चांस और आपको मिलता है। आपने वर्ड क्या बोला है? लेफ्टिनेंट LEFT लेफ्टी ई लेफ्टी, आगे क्या था? लेफ्टिनेंट NET। गलत है।